ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। प्रदेश के धार्मिक नगरी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी गंदे नाला के कारण प्रदूषण के शिकार हो रही है। नदी के साफ सफाई खातिर सरकार के द्वारा भारी भरकम बजट पेश किए जाते हैं, बावजूद गंदा नाला से पहुंचे वाला पानी नदी का दूषित कह रहे हैं। जहां पवित्र मानी जाए वाली नदी अब प्रदूषण के शिकार हो रही है और इस मामले का लेके यूथ आइकॉन अनुज हनुमत के द्वारा जिलाधिकारी का ज्ञापन सौंपा गया है। तो बुंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजरेन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि चित्रकूट माँ मंदाकिनी नदी में गिरे वाले दूषित नाला का रोके के खातिर यूथ आइकॉन अनुज हनुमत के द्वारा जिलाधिकारी का ज्ञापन सौंपा गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा मंदाकिनी नदी के सफाई खातिर भारी भरकम बजट से हुई कामन के जांच के मांग की गई है। बता दें कि रामघाट सहित करवी नगर क्षेत्र में सैकड़न प्रदूषित नाला सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में छोड़े जा लाहमा, जिसके कारण नदी प्रदूषण के शिकार हो रही है। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र में 2 दर्जन नाला के टैपिंग के खातिर शासन का कई साल पहले पत्र भेजा गया रहा, लेकिन अब तक कोनो मेर के कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में एक बार फिर से क्रियाशीलता का बढ़ावे खातिर पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुरोध किएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदूषित नाला से मंदाकिनी नदी का बचावे खातिर जिलाधिकारी चित्रकूट अभिषेक आनंद का परहित सेवा संस्थान के प्रबंधक और पत्रकार अनुज हनुमत के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। एक साथ DM से उनके द्वारा पत्र के माध्यम से यह कहा गया कि नदी के जो जल स्रोत में अवैध कब्जा हो का तत्काल प्रभाव से हटावा जाए और सिंचाई विभाग के द्वारा नदी के सफाई के नाम पर खर्च किए जाए वाले लाखन करोड़न रुपया के कामों के जांच की जाए। अनुज हनुमत के द्वारा जिलाधिकारी से बातचीत करके बतावा गया कि कई एक होटल के द्वारा नाव में खाना के सप्लाई की जाते हैं, जैसे रामघाट गंदगी के शिकार हो रहा है। रामघाट के आसपास बिना नियम कानून और NGT के नियम के खिलाफ बने होटल और रेस्टोरेंट पर रोक लगावे के अनुरोध कीनगा। कहे से कि इन सब के द्वारा बड़ी मात्रा में मंदाकिनी नदी में प्रदूषित पानी गिरावा जाता है। गौरतलब है कि यूथ आइकॉन अनुज हनुमत के द्वारा कुछ समय पहले मंदाकिनी नदी में प्रदूषित नाला का रोके खातिर अपने खून से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानों का पत्राचार कीनगा रहा। आइए अपनों को सुनाए थे पूरे मामले को लेके यूथ आइकॉन के द्वारा का कुछ कहा गया है और कौन में से कार्रवाई के मांग की गई है। देखिए MP संदेश न्यूज 24 के संवाददाता सतना से आर्यन शर्मा की खास रिपोर्ट। सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। चित्रकूट की जीवन धारा माँ मंदाकिनी में गिर रहे अनगिनत प्रदूषित नालों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु आज जिलाधिकारी जो चित्रकूट के हैं हमारे, उन्हें परहित सेवा संस्थान की तरफ से मैंने और हमारी टीम ने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि जो भी जल स्रोत जिन पे कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, चाहे वो होटल्स के रूप में हो, रेस्टोरेंट के रूप में हो, मठ मंदिरों के रूप में हो, घरों के रूप में हो, इन कब्जों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। साथ में हमने उनसे यह भी निवेदन किया है कि सिंचाई विभाग द्वारा जो एक भारी भरकम बजट प्रयोग किया गया था सफाई के लिए मंदाकिनी नदी की, उसकी जांच हो, उसकी ऑडिट की जाए, क्या काम धरातल पर हुआ है। और हमने उनसे एक अपील ये भी की है कि जिस तरीके से होटल्स द्वारा जो बात सामने आ रही थी कि लगातार जो नावें हैं उनमें खाना लगातार सप्लाई किया जा रहा है, जिससे वो गंदगी और बढ़ रही है, तो ये बिंदु थे जिन बिंदुओं पे आज चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने अपील की है कि नगर पालिका क्षेत्र करबी और साथ में जो चित्रकूट मध्य प्रदेश का एरिया है उसका जो प्रशासन का एरिया है उससे प्रशासन से मध्य प्रदेश प्रशासन से भी बात करें और अपने जो इस नगर पालिका क्षेत्र में जो नाले हैं 2 दर्जन नाले उनकी टैपिंग के लिए जो प्रशासन ने भेजा है शासन के पास कई वर्षों पहले उस पे क्रियाशीलता बढ़ाई जाए। और इसके साथ ही UP-MP बॉर्डर पर एक नाला है जो होटलों का प्रदूषित जो गंदगी वाला पानी है वो मलमूत्र से भरा हुआ वो सीधे मंदाकिनी में गिरता है, जिसपे रोक लगाई जाए, टैपिंग की जाए, जो भी किया जाए, लेकिन उसे किसी भी हालत में रोका जाए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।